आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो है स्लाइस इफेक्ट। आपने देखा होगा मेरे भी थंबनेल में या मेरे भी वीडियो में मैं हर चीज को स्लाइस करके यूज करता हूँ। ये आजकल का नया ट्रेंड है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लाइस इफेक्ट बनाते कैसे हैं और उसको क्रिएटिव तरीके से बैनर या पोस्टर या किसी भी चीज़ में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल सारी की सारी क्रिएटिव एजेंसीज यूज़ कर रही है। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लाइस इफेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फोटोशॉप में चलना होगा, तो हम सीधा फोटोशॉप में चलते हैं। ये मेरे पास फोटोशॉप है और मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। मैं 1920 और 1080 का एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि स्लाइस इफेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ जंप। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक जंप लिख दिया और इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका कैप्स लॉक इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स हैं। अब मुझे इस पर स्लाइस इफेक्ट यूज़ करना है। तो स्लाइस इफेक्ट यूज़ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें जो हमारा लेयर है उसको बीच से काटना होता है कि ये लगे कि हाँ स्लाइस हुआ पड़ा है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपने एक बार इसको स्लाइस इफेक्ट इस पर यूज़ कर लिया तो इसमें कोई भी चेंजेस आप कर नहीं पाओगे। इसलिए जो भी आपको चेंजेस करने हैं टेक्स्ट में आप पहले कर लो। अगर आपको लगता है कुछ टेक्स्ट में कोई स्पेलिंग एरर है या कुछ नया टेक्स्ट लिखना है तो आपको फिर से सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहला एक काम ये करना है कि टेक्स्ट पूरा का पूरा फाइनल टेक्स्ट होना चाहिए, कोई उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट है, हमने यहाँ पर जंप लिखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले इसका रेस्टराइज कर लेता हूँ इसको, कि इस पर मैं सारी चीज़ें अप्लाई कर सकूँ। तो रेस्टराइज करना बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है लेयर पे और ये आ जाता है आपका रेस्टराइज टाइप। तो इसके अंदर सीधा के सीधा ये रेस्टराइज हो गया। अब इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, अब ये एक इमेज जैसे लेयर होता है वैसा ये लेयर क्रिएट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है सेलेक्ट टूल पे। ये जो आप सेलेक्ट टूल देख रहे हो, सेलेक्ट वाले टूल पे जाना है और मुझे यहाँ पे सेकंड वाला टूल यहाँ पे इसको लेना है। ठीक है, और यहाँ पे लेके आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे स्लाइस करना है तो एक क्लिक वहाँ करूँगा, एक क्लिक यहाँ करूँगा और इसको मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। आप उसके बाद मूव टूल से अगर आप इसको मूव करोगे तो इस तरीके से स्लाइस होगा। स्लाइस करने के लिए आपको सिंपल इस तरीके से आपको मूव करना है और कंट्रोल डी कर लो तो ये इस तरीके से आपको स्लाइस लगेगा। आपके माइंड में आपके चलना चाहिए आपके एक्चुअली आपको स्लाइस कैसे करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टाइप से कुछ स्लाइस करना है, तो गाइस इसको भी से डिलीट भी कर दोगे तब भी ये वही वाला सेम इफेक्ट आपको दिखेगा। लेकिन सबसे बेस्ट इफेक्ट ये होता है कि आप सिंपल सा इसको सिलेक्ट करो और इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड करो और मूव टूल से आपको सिंपली इसको मूव करना है। ऐसे करोगे तो इस टाइप का हो जाएगा, अगर आपको ऊपर की तरफ करोगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको स्लाइस होकर यहाँ पर दिखेगा। तो ये पूरा टोटली आपके ऊपर है कि आपको स्लाइस करना कैसे है। ठीक है, तो हमने फाइनली स्लाइस करना सीख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्लाइस इफेक्ट को आप रियल चीज़ों पे, जब आप बैनर पोस्टर कुछ भी बनाते हो तो उस पर इसका इफेक्ट कितने अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट में मैं 1200 का एक मैंने न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लिया और मेरे पास एक पिक्चर है जो कि तो ये पिक्चर है। इसका सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है सिंपली, तो अब ये कुछ इस टाइप से हमें कुछ ये पिक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब इस पिक्चर को मैं इस लेयर पे मूव कर रहा हूँ सिंपली, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कंट्रोल टी से जब आप करोगे तो वहाँ साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा प्ले कर रहा हूँ। आजकल ग्रेडियंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप भी यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे जाके बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके उसको अनलॉक करना है और उसके बाद आपको सीधा जाना है एफएक्स पे, राइट क्लिक करना है और सीधा जाना है ग्रेडियंट ओवरले पे। वहाँ जाके आप कलर का जो सिलेक्शन है, वो कलर का जो इफेक्ट है आप सिलेक्ट कर सकते हो खुद से। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाला इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आजकल यही इफेक्ट चल रहा है जो ट्रेंडी इफेक्ट है, आप येलो ब्लू का कॉम्बिनेशन या फिर पिंक और आप पिंक और ऑरेंज का जो बहुत अच्छा सा कॉम्बो आजकल चल रहा है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। इसमें जो पिंक, मुझे ये वाला नहीं लेना था, मुझे एक्चुअली इसमें ये वाला पिंक लेना है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, आप यहाँ पर
ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा ब्लू वाला इफेक्ट था वो मुझे ज़्यादा सही लग रहा था, तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्लू वाले इफेक्ट पे आ गया हूँ। येलो और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे मैं सिंपली आ रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो गाइज हमने स्लाइस करना तो सीख लिया है, अब उसका पहला फर्स्ट यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एक फैशन या किसी भी तरीके के बैनर बनाने के लिए उसका यूज़ कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लिया है और उसके पीछे का एक बैकग्राउंड लिया है जो कि बहुत ईजी है बनाना, मैंने आपको बना के भी दिखाया है। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक फॉन्ट लिखने वाला हूँ, टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेल, ठीक है, और मैं गौतम का जो बोल्ड है वो मैं फॉन्ट यहाँ पे ले रहा हूँ और मैंने इस फॉन्ट का साइज इतना इंक्रीज कर दिया और इसको मैंने इसके पीछे ले लिया सिंपली। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और इसका जो है कंट्रोल प्रेस किए हुए इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करूंगा इस तरीके से कुछ, मैं इसका मैंने डायरेक्शन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सिंपल सिंपल और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इतना लिखना है। अब आपको पता है टेक्स्ट का स्लाइस कैसे करना है, राइट क्लिक करना है और इसको सीधा रेस्टराइज कर देना है। तो गाइज यहाँ पे सीधा सेलेक्शन टूल पे आपको जाना है और ये जो सेंटर में आ रहा है वो वाला आपको चूज़ करना है टूल, और आपको सिंपली फर्स्ट स्लाइस मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ किया और मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब मूव टूल से आपको सिर्फ एरो की से, लेफ्ट राइट अप डाउन वाले एरो की से आपको मूव करना है। तो मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ और थोड़ा सा उसको लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अप कर दिया, तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो गया। एक और स्लाइस मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, एक और स्लाइस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और इसको मैं राइट की तरफ मूव करूँ, इसको मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा, उसको राइट की तरफ मूव किया था, तो ये कुछ इस टाइप से हमें दिख रहा है। एक और आप यहाँ पे स्लाइस लगा सकते हो और इसको आप फिर से आप इसको राइट की तरफ मूव कर सकते हो, तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है सिंपली। आप टेक्स्ट को आप इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और आपको एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो सेल 20% ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट अलग ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाटो फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ और सिंपली मैं इस टाइप से इसको बना रहा हूँ और इसके बीच गैप में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से हमें दिख रहा है। और मैंने इसके नीचे सिंपली ऑफ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका एक फैशन रिलेटेड बैनर आपका ये तैयार हो गया, समझ लो। आप यहाँ पे सिंपली आपको फ्लैट लिखना है, फ्लैट 20% ऑफ। और अगर आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड के साथ प्ले करना है तो इस पर डबल क्लिक करोगे आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, जैसा बनाना है आप वैसा इसको यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा आपको देखने में। मैंने आपको फर्स्ट तरीके से जो स्लाइस का यूज है, जो पहला तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं इसी में आपको सेकंड तरीके से स्लाइस का यूज़ कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको इसमें करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं सबसे पहले इसी इमेज पर दोबारा आऊँगा और इसका मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये ब्लू, ये वाला ब्लू मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले रहा हूँ, सिंपल सा ये वाला ब्लू ले रहा हूँ। और सेकंड कलर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रहा हूँ जो कि देखने में काफ़ी सही लगेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको मैं यहाँ पे मूव कर दूँगा, तो ये कुछ इस टाइप से इफेक्ट क्रिएट कर रहा है जो कि देखने में काफ़ी ठीक लग रहा है। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कलर के साथ प्ले किया है और ये एक इस टाइप का इफेक्ट ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब फिलहाल इसको लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल सा 20% यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल, और इसका मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। अब मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ सिंपल सा, गौतम का जो बोल्ड है वो मैं यहाँ पे बोल्ड ले रहा हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से हमें ये कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली उसको रेस्टराइज कर रहा हूँ और मैं इसको स्लाइस कर रहा हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कर रहा हूँ, मतलब कट और पेस्ट कर रहा हूँ इसको, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, हमें इस बार नीचे नहीं करना, हमें इस बार इसके ऊपर लेके जाना है। और उसके बाद सिंपली आपको ड्रॉप शैडो करना है यहाँ पे और शैडो को इस तरफ से इस तरफ लेके जाना है आपको,
ठीक है, शैडो का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से ये हमें कुछ दिख रहा है। तो ये ऐसा लगा है कि ये कट हुआ है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब कट होके इसके ऊपर आया हुआ है, तो जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट को अनेबल कर लेता हूँ, इसका इफेक्ट, टेक्स्ट वाले इफेक्ट को, और ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और हमें यहाँ पे अब ऐसे जगह पे सब्जेक्ट को प्लेस करना है कि पढ़ने में आए, कि एक्चुअली हम लिखने के हवाले हैं। और इसके बाद मैं आप चाहो तो इसको सब्जेक्ट को थोड़ा छोटा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो छोटा कर लेते हैं। और इसको जस्ट सिंपल सा एक हमें एक यहाँ पे एक शैडो क्रिएट करना है कि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो आप लोगों को पता है शैडो कैसे क्रिएट करता हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियो में मैंने शैडो क्रिएट किया है, तो आप वहाँ से इसको सीख सकते हो। और ये कुछ इस टाइप से ये कुछ दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे एक शैडो क्रिएट कर लिया जो कि काफ़ी सही लग रहा है देखने में, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, स्लाइस करके, फर्स्ट आपने स्लाइस किया उसके बाद ड्रॉप शैडो कर लिया, तो ये काफ़ी रियल जैसा फील आपको देने लगेगा, 3D वाला फील आपको देने लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो सेकंड इफेक्ट हमने सीख लिया। अब थर्ड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मेरा फेवरेट है थर्ड इफेक्ट, तो मैं वो आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल इस लेयर को मैं बंद करता हूँ, जितने भी लेयर हैं इस सारे लेयर को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, और इस लेयर को भी मैं फिलहाल हाइड कर रहा हूँ, और इसका बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ किसी और कलर में। तो उसके लिए मैं लूँगा हल्का सा यहाँ पर रेड वाला टोन लूँगा, और नीचे वाला जो एरिया है उसको मैं हल्का सा ब्लू वाला टोन यहाँ पे लूँगा, हल्का सा ब्लू टोन लूँगा, या फिर हल्का सा इसमें ना मैं येलो वाला टोन यहाँ पे लूँगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको मूव कर दूँगा। और इसका एंगल भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं भी यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, तो एक इस टाइप का दिख रहा है। अब ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, जो कि देखने में ये भी काफ़ी कूल लग रहा है देखने में, ठीक है। अब ये थर्ड इफेक्ट में स्लाइस इफेक्ट का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल सा मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ जंप, ठीक है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कैसे सही लगेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक गौतम का ही मैं यहाँ पे एक सीधा वाला फॉन्ट ले रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब आपको स्लाइस करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्लाइस करना है, और स्लाइस करने के बाद मैं कॉर्नर से इसको स्लाइस कर रहा हूँ, और मैं इसको रखूँगा नहीं, सिंपली इसको डिलीट मार दूँ, तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर शेप टूल पर जाऊँगा, लाइन टूल लूँगा, और लाइन को मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और इसका कलर जो टेक्स्चर कलर है आपको सेम कलर यहाँ पर लेना है, तो ये कुछ इस टाइप से आपको सेट करना है, जहाँ से ये स्लाइस हुआ है वहाँ पे आप इसको सेट करना है आपको। तो ये यहाँ पे इसको आपने हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, ठीक है। अब आपको एक और स्लाइस शो करना, आप जितना चाहो ऐसे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक और मैं यहाँ से स्लाइस कर रहा हूँ, और हमें रखना नहीं है, हमें डिलीट करना है। और इतना भी आप टेक्स्ट स्लाइस मत कर दो कि पढ़ने में आएगी वर्ड क्या था। तो मैं यहाँ पे नीचे यहाँ से इसको स्लाइस कर रहा हूँ, और चाहो तो आप उसको और नीचे आ सकते हो, यहाँ से इसको स्लाइस कर रहा हूँ कि वर्ड भी पढ़ने में आए और क्या लिखा है वो भी पता चलता रहे। और उसके बाद मैं उस लाइन को मैं कॉपी करूँगा, और मैंने इसको यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट किया, तो ये कुछ इस टाइप से अब हमें कुछ ये दिख रहा है, ठीक है। आप जितना मन चाहो उतना ऐसे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और इस लाइन पे कुछ टेक्स्ट लिखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली लिमिटेड ऑफर लिख दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया, और मैंने इसको इस तरीके से मूव कर दिया जो कि लाइन पे ही आए पूरा का पूरा, और आपने इसको साइज छोटा कर लिया, और इसके बीच का गैप हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये कुछ इस टाइप से अब हमें कुछ ही बनता हुआ दिख रहा है। और सिंपली हमने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया, तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है हमें, और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और हमने इसका नीचे से हमने शैडो ऑन कर दिया। अब आप चाहो तो और भी चीज़ें इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो स्लाइस के हेल्प से, आप शेप को भी स्लाइस कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर शेप टूल पर जा रहा हूँ, और मैं यही वाला ऑलरेडी सेलेक्ट है, और मैं ये वाला शेप टूल ले रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ से इसको
ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने इस तरीके से मैंने इसको टर्न कर दिया, और इसका भी कलर मैं कुछ इसी से मिलता जुलता कलर दे रहा हूँ कि इस बैकग्राउंड पे अच्छा लगे। तो आप ब्लू भी यहाँ पे ले सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू ले रहा हूँ, और इसको भी आप यहाँ पे रेस्टराइज करना है सिंपली, और चाहो तो आप इसको भी सिंपली सा स्लाइस कर सकते हो। देखता हूँ कैसा लग रहा है देखने में। तो ये कुछ इस टाइप का ग्लिच वाला इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो कि ये ग्लिच इफेक्ट है, तो ग्लिच इफेक्ट यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हमें क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अब आप चाहो तो इसमें विजिबिलिटी इसकी डाउन प्ले से खेल सकते हो कि ये कहाँ पे अच्छा लग रहा है। हमें फॉर एग्जाम्पल इतनी विजिबिलिटी रखनी है तो ये भी सही लग रहा है। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपका डिज़ाइन क्या है, आप किस इमेज के ऊपर काम कर रहे हो और वहाँ पे कैसा स्लाइस इफेक्ट सही लगेगा। बस मैंने आपको मुझे यूज़ बताना था कि इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो जो कि आजकल के ट्रेंड में है और ट्रेंडी है काफ़ी ज़्यादा। और एक और क्वेश्चन जो आप लोगों ने बहुत बार मेरे से पूछा है कि मैं फोटोशॉप का लोगो को स्लाइस कैसे करता हूँ, वो भी सेम इफेक्ट है यार, यही इफेक्ट मैं वहाँ भी यूज़ करता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लोगो लेके दिखा रहा हूँ, मैं सिंपली फोटोशॉप लोगो सर्च कर रहा हूँ, और ये फॉर एग्जाम्पल ये लोगो मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ, सेव कर लिया, और मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, सिंपली मैंने यहाँ कर दिया। आप देख सो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपको इसको रेस्टराइज करना है, और मैं सारे लेयर को फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ कि देखने में समझने में आए। और मैंने इसको सिंपली इस टूल पे गया जो मैंने बताया था, सिलेक्ट किया, और इसको मैं एरो की से मैंने इसको इस तरफ मूव कर दिया, ठीक है। और दूसरा वाले को मैं उस तरफ मूव करूँगा, ठीक है, इसको मैं राइट की तरफ मूव कर दिया, तो ये हमारा स्लाइस इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। सिंपली मैं यहाँ पे अगर इसको ऑन करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। मैं यही वाला इफेक्ट अपने थंबनेल में हर जगह यही वाला इफेक्ट यूज़ करता हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। इस वीडियो को बनाने में जितने भी एलिमेंट यूज़ हुए हैं, जो भी पिक्चर यूज़ हुआ है, मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहां से देख के अपने स्टाइल में क्रिएट कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। और आपको अब टैग करने पे जरूरत नहीं है, आप जस्ट राजीव मेहता हैशटैग यूज़ करो, मेरे पास ऑलरेडी वो आ जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।